नमस्कार दोस्तों, मैं राजू कुमार एजुकेशन 33 का क्रिएटर सफल लोगों की दुनिया में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि एमसीबी क्या है और कैसे काम करती है। जी हां दोस्तों, प्लीज वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि एमसीबी का पूरा नाम मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स है। दोस्तों, आपने फ्यूज के बारे में तो जरूर सुना होगा और फ्यूज का इस्तेमाल हम ओवरलोड और हम अपने उपकरण को बचाने के लिए करते हैं, लेकिन आज के समय में फ्यूज की जगह हम एमसीबी का इस्तेमाल करने लग गए हैं, क्योंकि यह फ्यूज से ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करती है। चाहे फिर ओवरलोड की स्थिति हो या फिर आपके हमारे उपकरण में कोई दिक्कत आ जाए, एमसीबी फ्यूज के मुकाबले बहुत ज़्यादा बढ़िया काम करती है। दोस्तों, एमसीबी एक इलेक्ट्रिकल स्विच है जो कि फ्यूज की तरह भी काम करता है। जब किसी सर्किट में करंट की मात्रा ज्यादा हो जाती है, तब एमसीबी अपने आप बंद हो जाती है। आज लगभग उसी के बजाय एमसीबी को इस्तेमाल किया जाता है। एमसीबी ओवरलोड के कारण बंद होने पर थोड़ी देर बाद में हम इसे दोबारा से शुरू कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन फ्यूज को हमें बदलना पड़ता है, जिसमें समय लगता है। इसी कारण फ्यूज किस जगह एमसीबी को बढ़ा दिया जाता है, तो इस वीडियो में आज हम आपको बताने वाले हैं एमसीबी के पूरे कारण। तो दोस्तों, एक एमसीबी को बनाने के लिए उसके अंदर कई चीजें लगाई जाती है, जैसा कि आप इस फोटो के माध्यम से देख सकते हैं। इस एमसीबी के अंदर आपको कितने अलग अलग प्रकार की चीजें देखने को मिलेंगी और इस सभी का काम अलग अलग होता है, जिसके बारे में हम आपको इसके कार्य के बारे में बताएंगे। तो आपको हम स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताना चाहता हूँ ये काम कैसे करता है। दोस्तों, पहला है सप्लाई टर्मिनल, दूसरा है एआरसी चैम्बर, तीसरा है बॉडी, चौथा है मैग्नेटिक एलिमेंट, पांचवा है ऑपरेटिंग कनोब, छठा है ऑपरेटिंग मैकेनिज्म, सातवा है फिक्स कॉन्टैक्ट और आठवां है BI मेटालिक स्ट्रिप और नौवां है लोड टर्मिनल और दसवां है प्लंगर और ग्यारहवां है ट्राइपिंग लेवर। तो दोस्तों, एमसीबी के अंदर दो तरह से ट्राइपिंग होती है, जैसा कि हमने बताया एमसीबी ओवरलोड करंट के कारण और शॉर्ट सर्किट के कारण, लेकिन इन दोनों ट्रिपिंग के लिए एमसीबी में दो अलग अलग चीजें लगाई गई है। तो पहले हम आपको बताते हैं कि ओवरलोड होने पर एमसीबी कैसे ट्रिप होगी। दोस्तों, ओवरलोड करंट ट्रिपिंग, एमसीबी में एक बायमेटल स्ट्रिप होती है जो कि दो धातुओं को मिलाकर बनाई जाती है, जिनमें से एक धातु गर्म होने पर दूसरे के मुकाबले कम फैलती है। इसी कारण जब एमसीबी पर करंट बढ़ता है, तब यह बेमेटल स्ट्रिप गर्म होने लगती है और जिसके कारण इसमें लगी एक धातु कम फैलती है और दूसरी धातु ज़्यादा फैलती है। इसके कारण यह स्ट्रिप मुड़ बैंड जाती है और मुड़ने के साथ साथ ट्रैपिंग लेवर को अपने साथ खींचती है, जिसके कारण एमसीबी ट्रिप हो जाती है। और दूसरा है दोस्तों शॉर्ट सर्किट ट्रैपिंग, एमसीबी किसी भी उपकरण में फलआउट आने पर भी टाइप हो जाती है। अगर वह उपकरण अंदर से शॉर्ट हो जाता है, तब भी एमसीबी ट्रिप हो जाती है। इसका कारण है इसके अंदर लगी सोलेनोइड कॉइल जब शॉर्ट सर्किट होता है, तब एमसीबी में लगी सोलेनोइड कॉइल में बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनती है और यह इसके अंदर लगे प्लंगर को आगे की तरफ धकेलती है, जिससे कि ट्रैपिंग लेवर भी इस धक्के से आगे चला जाता है और हमारे एमसीबी ट्रिप हो जाती है। अब आपको पता लग गया है कि एमसीबी ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट किस में कैसे काम करती है। एमसीबी को इस्तेमाल करने का सबसे बड़ा फायदा शॉर्ट सर्किट के समय होता है, यह बहुत जल्दी कुछ ही मिली सेकंड में ट्रिप हो जाती है, जिसके कारण हमारा नुकसान होने से बच जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको समझ में आ गया हो एमसीबी क्या है, कैसे काम करती है, तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब, ताकि इस प्रकार की वीडियो आपसे कभी भी मिस ना हो पाए। थैंक यू।